मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम रोज जो दाल चपाती या पराठा जो भी बनाते हैं उसी से मैं एक चीज बनाऊंगी, उसका नाम है वरण फल। हर हर जगहों पे हर इसका नाम बहुत अलग है, जैसे वरण फल या दाल फल या चिकोली। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी है और इसे मैं कुकर में बनाऊंगी तो और इजी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं वरण फल। सबसे पहले वरण फल बनाने के लिए मैंने अरहर की दाल एक छोटी कटोरी ली है और इसे कुकर में डाल के पहले साफ पानी से आप धो लीजिए। अब इसमें लगभग एक गिलास में पानी डाल देती हूँ। थोड़ी सी हल्दी। अब इसे हमें मीडियम आंच पे तीन सीटी लगा देनी है। सबसे पहले मैं एक कुकर में दो चम्मच तेल डाल दूंगी, रिफाइंड ऑयल है। तेल गरम हो गया है तो थोड़ी सी सरसों में डाल देती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा जीरा, एकदम थोड़ी सी हींग, इसी के साथ ही हरी मिर्च, और ये खूब सारा लहसुन। लहसुन देखिए थोड़ा हल्का गुलाबी हो गया तो एक छोटा टमाटर मैं डाल देती हूँ इसमें। अब इसमें डालूंगी मैं एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसी के साथ है गरम मसाला पाउडर एकदम थोड़ा सा। तो ये पूरा टमाटर हमें गला देना है, तो ये गल जाने दीजिए टमाटर को अच्छे से इसमें। तो अब हम इसमें डालेंगे एक अरहर की दाल जो हमने पका के ले ली थी पहले से ही, पूरी गल गई है ये देखिए। अब इसमें मैं एक कटोरी पानी डालूंगी, ये हमें पतला ही रखना है क्योंकि बाद में ये गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए इतना पतला तो चाहिए हमें। अब इसमें मैं डालूंगी एक गुड़ और इमली। अब देखिए ये जो आटा है मैंने गेहूं का पहले से गूंथ के रखा था तो इसे थोड़ा सा टाइट ही हमें रखना है। अब इसे आटे पे मत आप बेलिए, थोड़ा सा तेल लगाइए और फिर इसे बेल दीजिए आटे से, क्योंकि पूरा वो गाढ़ा हो जाता है और ज़्यादा, तो इसीलिए इसे तेल पे ही बेलिए हल्का सा तेल लगा के। तो इस तरह से मैंने इसकी पूड़ी बना दी है। और ये देखिए ये डिज़ाइन मैं कर रही हूँ, आप चाहे तो गोल गोल भी कर सकते हैं या लंबे आकार में भी काट सकते हैं, तो मैं इस तरह इसे बनाऊंगी। देखिए दो तरह के मैंने डिज़ाइन बनाई है, एक ए और एक ए वाली। तो इसे अब हम इस दाल में छोड़ते जाएं एक एक करके, इसे इसके तुरंत ऐसे इसमें छोड़ेंगे। बीच बीच में इसे थोड़ा सा आप हिलाइए नहीं तो ये चिपक जाते हैं एक दूसरे को। तो अब लास्ट में इसमें हम नमक ऐड करेंगे। तो आटे में भी मैंने नमक डाला था तो हल्का सा नमक इसमें हम डाल देते हैं। इसे ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पे सिर्फ एक सीटी लगानी है, ज़्यादा सीटी मत लगाइए नहीं तो ये पूरा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब इसे हम बंद कर देते हैं। देखिए ये बिल्कुल बन के तैयार है। खाते समय इसमें थोड़ा सा इसे घी डालिए। ये देखिए घी पापड़ अचार इसके साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए अलग आकार का मैंने बनाया था, बहुत सारी डिज़ाइन है इसमें। तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप सभी को ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। और हाँ, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।